जय जोहार लइका हो। लइका हो, हमर देश मा बड़का बड़का महापुरुष होइन जेन मन देश के आजादी बर अपन प्राण ला त्यागिन और समाज मा फैले कुरूति मन ला दुरिहा करे के बड़ उद्यम करिन। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के नाम सबले आगू हवे। छत्तीसगढ़ मा तको महान पुरुष होइन जेन मन मनखे सेवा के जबर काम करे हैं। गुरु घासीदास, धनी धरमदास, इही कड़ी मा स्वामी आत्मानंद घलो बड़े जन महात्मा रिहिस। एहा हल्का उम्र मा जवनहा मन मा जागृति लाए के काम करिस। त लइका हो, आज हमन कक्षा पांचवी के हिंदी विषय के पाठ आठ स्वामी आत्मानंद ला पढ़। एहा 60 बछर पहली के बात है। ओ समय मा छोटे छोटे नौकरी अमूल हो गए रहीस। नौकरी ला पाए बर जवनहा मन गजब उद्यम करें। फिर एक झन जवनहा ऐसे निकलीस जौनहा सबले बड़े परीक्षा पास करके नौकरी नहीं मांगीस। भारतीय प्रशासनिक सेवा आजो सबले बड़े नौकरी मा जाए के रद्दा है। ए परीक्षा ला पास करे या मन कलेक्टर कमिश्नर बनथे। यही परीक्षा ला रायपुर जिला के बरबंदा गांव मा 6 अक्टूबर 1929 मा जन्मे गुनिक बेटा पास कर लीस। फिर ओकर मन मा रिहिस खुला रही के सेवा करे के भाव। स्वामी विवेकानंद के रद्दा मा चल के सेवा करे के भाव। ओहा बड़े परीक्षा पास करके छोड़ दीस नौकरी के रद्दा और स्वामी विवेकानंद के मानव सेवा के रद्दा मा चलीस। उही जवान आगे चल के छत्तीसगढ़ के नाव देश भर मा पकराइस। ओला हमन स्वामी आत्मानंद के नाव ले जानथन। ओकर नानपन के नाव तुलेंद्र रिहिस। स्वामी आत्मानंद के महतारी के नाव भाग्यवती और ददा के नाव धनीराम रिहिस। बरबंदा के किसान परिवार मा जन्मे धनीराम गांधी जी के रद्दा मा रेंगैया गुरु जी रहिस। वर्धा के आश्रम मा धनीराम ला बुनियादी शिक्षक के काम मिलिस। संग मा तुलेंद्र घलो वर्धा आश्रम गईस। लइका हो, देखो यहाँ पर वर्धा आश्रम के चित्र हवे ना। गांधी जी जब घूमे बर जाए त तुलेंद्र ओखर लउठी ला कबू कबू धर के आगू आगू चल दे। गांधी जी के आशीर्वाद नान्हे तुलेंद्र ला मिलिस। उही हा जवान होके विवेकानंद आश्रम नागपुर मा रह के गणित विषय मा MSc करीस। सबले होशियार विद्यार्थी होए के खातिर तुलेंद्र ला सोन के मेडल मिलिस। फिर आश्रम मा रहत रहत तुलेंद्र के मन मा मानव सेवा के भाव जाग के स्वामी विवेकानंद के संदेश और सिद्धांत उखर हृदय मा बस के। थोड़ेक दिन अपन घर रायपुर मा रहिस। तभे एक दिन तुलेंद्र अपन महतारी ला पूछिस, दीदी जाओ? ओहा अपन महतारी ला दीदी कहा है। महतारी समझिस कब कहूं जाए पर पूछत हो ही। कही दीस, जाना बेटा बस। ओ बात ला महतारी के आशीर्वाद मान के तुलेंद्र रायपुर ले नागपुर आ गए। घर के मन गजब खोजिन। दाई ददा रोइन ललाइन दोनों रायपुर ले नागपुर गईन। तुलेंद्र मिल गए विवेकानंद आश्रम मा। ददा धनी राम कहिस, बेटा चल घर, सन्यासी झन बन, हमर आँखी के पुत्री अस, हमला जग अंधियार लागत है, तो नान नान भाई बहनी है, तय बड़े बेटा अस, घर चल। तुलेंद्र कहिस, बाबूजी तही हा तो मुला रद्दा बताए हस, चिट्ठी मन मा लिखस के बेटा बने रद्दा मरेंगे कर, कुमार्ग मा झन चलबे, भगवान राम सही दुख पाके आन ला सुख देबे, सबके सेवा करबे, अपन पर के भेद झन करबे, तोर बात ला धर के इरद्दा मा आगू बढ़ गये बाबू। बेटा के बात ला सुन के धनी राम अकबक आ गई। महतारी कहिस, बेटा बने कहा थे, दाई ददा बर तो सबो संसो करते, ए बेटा हा जग भर के संसो करते, जान दब बने रद्दा मा। दोनों परानी घर आ गए। बेटा रह गए आश्रम मा। तुलेंद्र के नाव धरा गए ब्रह्मचारी तेज चैतन्य। रामकृष्ण आश्रम मा रह के काम करे लगिस तेज चैतन्य।
फिर बड़े बड़े तीर्थ और हिमालय पहाड़ मा गईस, गुरु मन के बात सुनीस, तपस्या करीस, रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम आईस, प्रवचन सेवा के काम चलीस, ब्रह्मचारी तेज चैतन्य छत्तीसगढ़ के इतिहास और महिमा ला जाने जनावे। रायपुर मा स्वामी विवेकानंद हा नानपन मा 2 बछर अपन महतारी बाप के संग बूढ़ा पारा मा रहीस। स्वामी आत्मानंद हा सोचीस, जिहा 2 बछर स्वामी विवेकानंद रहीस ओ रायपुर मा कुछ करना चाहिए। यही सोच के रायपुर मा बनवाईस विवेकानंद आश्रम। ये संकल्प ले गईस विवेकानंद शताब्दी बरस मा। 1960 मा तेज चैतन्य हा संन्यास लेके स्वामी आत्मानंद बने। स्वामी आत्मानंद आश्रम मा गरीबा लैका मन रहके पढ़िन लिखिन। ओमन सब आज बड़े बड़े पद मा हावे। स्वामी आत्मानंद हा जंगल के बीच नारायणपुर मा आश्रम शुरू करीस, बड़े स्कूल बनाईस, आदिवासी लैका मन ला पढ़ाना शुरू करीस। आज नारायणपुर के स्कूल ले निकले लैका मन देश भर मा बड़े बड़े काम करत। अकाल दुकाल मा स्वामी आत्मानंद गांव गांव मा जुन्ना तरिया ला औकोड़वाईस, पचरी बनवाईस, किसान मन ला मदद करीस। विवेकानंद आश्रम रायपुर मा बहुत बड़ पुस्तकालय खोलीस। आज छत्तीसगढ़ के गांव गांव मा सरकार हा स्वामी आत्मानंद के नाम मा पुस्तकालय खोले है। स्वामी आत्मानंद के 5 भाई मा एक भाई बड़े साहित्यकार बने। उही भाई डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा हा छत्तीसगढ़ के बड़ई मा सुंदर गीत लिखीस, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। यह गीत हा चारों मुड़ा सुने जाते। 2 भाई स्वामी आत्मानंद के रद्दा मा चल के सन्यासी हो गए। 1 भाई ओम प्रकाश वर्मा विश्वविद्यालय मा प्रोफेसर है। ओम प्रकाश वर्मा आत्मानंद विद्यापीठ घलो चलाते, उहूं लैका मल्ला पढ़ाए जाते। आदिवासी और गरीब लैका मल्ला पढ़ाए लिखाए के बड़े जगह बन गए है विद्यापीठ। स्वामी आत्मानंद के बताए रद्दा मा चलैया बहुत जन है। सेवा दया और समता के विचार हा चारों मुड़ा बगरत है। लिखई पढ़ई के उजास ला चारों मुड़ा बगराए के उद्यम मा सब लगे हैं। तले कहो आज हमन स्वामी आत्मानंद के बारे में बड़ जानकारी पाएं। ता अब इही में से मैं आप मन ला अभ्यास कार्य करवा। खाले लिखे प्रश्न मन के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न हवे, स्वामी आत्मानंद कब और कहाँ जन्मे हवे? तैकर उत्तर हवे, स्वामी आत्मानंद 6 अक्टूबर 1929 मा रायपुर जिला के बरबंदा गांव मा जन्मे हवे। अगला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद के बचपन के नाम का रहीस? तैकर उत्तर हवे, स्वामी आत्मानंद के बचपन के नाम तुलेंद्र रहीस। अगला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद कौन परीक्षा ला पास करके ओला छोड़ दीस? तयकर उत्तर है, स्वामी आत्मानंद हा भारतीय प्रशासनिक सेवा ला पास करके छोड़ दीस। अगला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद कहाँ रह के पढ़ीस? एकर उत्तर है, स्वामी आत्मानंद विवेकानंद आश्रम नागपुर मा रह के गणित विषय मा MSc करीस। अगला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद काकर विचार ले ज्यादा प्रभावित होए रहीस? स्वामी आत्मानंद स्वामी विवेकानंद के विचार ले ज्यादा प्रभावित होए रहीस। अगला प्रश्न है, मानव सेवा और युवा जागृति पर स्वामी आत्मानंद हा काका काम करीस? ओला लिखो। तेकर उत्तर हवे, मानव सेवा और युवा जागृति पर स्वामी आत्मानंद हा आदिवासी लैका मन ला पढ़ाए पर नारायणपुर मा आश्रम खोलीस। अकाल दुकाल मा स्वामी जी गांव गांव मा जुन्ना तरिया ला और कोड़वाईस, पचरी बनवाईस, किसान मन ला मदद करीस और विवेकानंद आश्रम रायपुर मा बहुत बड़ पुस्तकालय खोलीस। अगला प्रश्न है, खाले लिखाए प्रश्न मा 4 विकल्प दे के है, सही विकल्प मा सही के चिन्ह लगाओ। तो एकर क है,
स्वामी आत्मानंद अपन महतारी ला का कहे? पहला है माँ, दूसरा है दाई, तीसरा है दीदी और चौथा है माताजी। तैकर उत्तर है दीदी। ख, विवेकानंद आश्रम रायपुर के स्थापना कौन करेस? एकर विकल्प है स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण, स्वामी आत्मानंद, स्वामी रामदास। तो एकर उत्तर है स्वामी आत्मानंद। ग, हवे स्वामी आत्मानंद हा आदिवासी लेका मन के पढ़े बर आश्रम कहाँ बनाई? पहला कोंडा गांव, दूसरा बस्तर, तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा नारायणपुर। एकर सही विकल्प है नारायणपुर। अब अगला है स्वामी आत्मानंद हा बहुत बड़ पुस्तकालय कहाँ बनाईस? पहला नागपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा बिलासपुर, चौथा जबलपुर। एकर सही उत्तर हवे रायपुर। अब अगला है हमर छत्तीसगढ़ के राजकीय गीतला कौन लिखे है? लेका हो आपन जानतो ना हमर राजकीय गीत कौन से है? जय हो छत्तीसगढ़ मैया। उला कौन लिखे है? पहला स्वामी आत्मानंद, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, चौथा ओम प्रकाश वर्मा। तो एकर सही उत्तर का है? बिल्कुल सही, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अब अगला प्रश्न है खाले मा लिखे शब्द मन के बहुवचन रूप लिखा। तो शब्द मन ला देख लेते ना, पहली दीदी, बहिनी, मामी और काके। तब एकर उत्तर ला हमन एक ठन तालिका बनावा थन। एमे पहली में क्रमांक लिखबोन और दूसर में एक वचन और तीसर में बहुवचन। तब एकर एक वचन है दीदी। त दीदी के बहुवचन काय होही? दीदी मन। बहिनी, अब तुमन बताओ बहिनी के काय होही? बिल्कुल सही, बहिनी मन। अगला मामी, मामी के बहुवचन काय होही? मामी मन। अब काकी, तो काकी के बहुवचन का होही? बिल्कुल सही, काकी मन। तो अब मैं आप मन ला गृह कार्य देवत हूँ, जिला आप मन ला घर से करके लाना है। तो एकर पहला प्रश्न हवे स्वामी आत्मानंद के बारे में अपन शब्द में लिखाओ। अगला प्रश्न हवे छत्तीसगढ़ के महापुरुष मन के बारे में लिखाओ। अगला प्रश्न है चार स्त्रीलिंग शब्द जेकर आखिर मा ई के ध्वनि आवत होही, तेला लिखाओ और ओकर बहुवचन के रूप बनावो। जैसे अभी हमन अभ्यास कार्य में करे हैं ना, ऐसी आप मल्ला घर से करके लाना है। अगला प्रश्न हवे जवनहा शब्द जवान मा हा जोड़ के बने हैं, एकर मायने हैं जवान सही। हा जोड़ के कोनो चार शब्द बनावा, ओकर मायने लिखाओ और अपन वाक्य बनावा। तापमन ला घर से वाक्य बना के भी लाना है। अब अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के लोकगीत ला लिखाओ और गाओ। आप मन के घर में लोकगीत गाए जाते ना, तापमन अपन घर के बड़े मन ले पूछना और ओला सीख के आना। तो अगली कक्षा में हमन फिर मिल के गावन, ठीक है? जय जोहार।